ब्रेकिंग न्यूज़। एक शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई खबर आई हुई है, जो 15 अक्टूबर से खुलने वाले स्कूल हैं, उनके बारे में माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल जी के द्वारा कुछ बयान दिए गए हैं। आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल में पहली बार आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और इससे जुड़ी हुई खबरें आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। तो नई दिल्ली 15 अक्टूबर से देश में कंटेनमेंट जोन के बाहर स्थित स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान खुल सकते हैं। हालांकि शैक्षणिक संस्थानों को फिर से खोलने का निर्णय राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों पर छोड़ा गया है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के मुताबिक स्कूल कॉलेजों के खुलने के बाद भी छात्रों पर अटेंडेंस का दबाव नहीं बनाया जा सकेगा। स्कूल में प्रवेश करने से पहले छात्रों को अपने अभिभावक का लिखित अनुमति पत्र लाना होगा। बता दें कि स्कूल खोलने के बाद भी छात्र उसी सूरत में स्कूल के अंदर जा पाएंगे जब वो अपने अभिभावक से लिखित अनुमति लेकर आएंगे। अटेंडेंस में छात्रों को छूट दी जाएगी, किसी किस्म की सख्ती नहीं की जाएगी। छात्र चाहें तो स्कूल आने की बजाय ऑनलाइन क्लास जारी रख सकते हैं। स्कूल खुलने के पहले 2 से 3 हफ्तों में छात्रों से कोई भी असाइनमेंट नहीं लिया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के मुताबिक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपनी स्थानीय जरूरतों के आधार पर स्कूलों को फिर से खोलने के लिए स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी अपनी अपनी मानक संचालन प्रक्रिया तय करेंगे। शिक्षा मंत्रालय ने 15 अक्टूबर से चरणबद्ध तरीके से स्कूल को फिर से खोलने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। स्कूल खुलने के 2-3 सप्ताह तक कोई परीक्षा नहीं ली जाएगी, उपस्थिति में वह छूट दी जाएगी। स्कूल सुनिश्चित करें कि लॉकडाउन के दौरान घर में हो रही पढ़ाई से स्कूल में होने वाली पढ़ाई में हुआ बदलाव सुगम रहे। छात्रों से जो परीक्षाएं और असाइनमेंट लिए जाएंगे वो सीखने की प्रक्रिया को बढ़ाने वाले होने चाहिए और कागज कलम की बजाय अलग तरीके से इसकी जांच होनी चाहिए। शिक्षा मंत्रालय के दिशा निर्देश में कहा गया है कि स्कूल खोलने की SOP दिशा निर्देश छात्रों और शिक्षकों के स्वास्थ्य और भावनाओं को ध्यान में रखकर हर स्कूल को बनाना चाहिए। सुरक्षा मानकों का समुचित ध्यान कोरोना काल में हर शैक्षणिक संस्थान को रखना होगा। तो इसके बाद इस वीडियो से जुड़े रहिएगा और आपको शिक्षा मंत्री के क्या उन्होंने कहा और लाइव वीडियो आप देखिए। मंत्रालय ने सभी राज्यों को इस बात की छूट दी है कि वो अपनी परिस्थितियों को देखते हुए और अभिभावकों से, संस्थानों से बातचीत करने के बाद 15 अक्टूबर से चरणबद्ध तरीके से वो स्कूल खोल सकते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि गृह मंत्रालय के इस निर्देश के बाद, इस फैसले के बाद, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने बृहद गाइडलाइन तैयार की हैं जिसमें सुरक्षा और दूराइयों को पूरी तरीके से ध्यान में रखते हुए क्या क्या ज़रूरी है ताकि बच्चे की सुरक्षा, उसकी रक्षा और उसके बाद उसकी शिक्षा। और इसलिए सभी राज्यों के आदरणीय शिक्षा मंत्रियों से भी मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि वो इसको व्यापक तरीके से थोड़ा सा अपने स्तर पर भी व्यक्तिगत रुचि लेकर के ज़रूर देखेंगे। और जो दिशा निर्देश भारत सरकार ने जारी किए हैं उनको स्कूल खोलते समय परिस्थितियों को देख करके और अभिभावक की सहमति से ये स्कूलों में सीटिंग अरेंजमेंट किस तरीके से होगा, कितनी दूराई पर होगा, किस तरीके से उस कक्षा का सफाई और ताकि उसमें किसी भी प्रकार की कोई गुंजाइश न रहे दूर दूर तक, तो वो जो SOP जारी हुआ है उसका भी पालन करना होगा। मुझे भरोसा है कि इन परिस्थितियों में, जबकि पूरी दुनिया कोरोना के महासंकट से होकर के गुजर रही है और हम भी इस महामारी का मुकाबला कर रहे हैं, सामना कर रहे हैं, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में और उनकी अगुवाई में जिस तरीके से हिंदुस्तान ने इसका
मुकाबला किया है वही उसी का परिणाम है कि हमने जी की परीक्षाएं सफलतम की हैं, हमने नीट की सफलतम परीक्षाएं की हैं, हमने जी एडवांस की सफलतम परीक्षाएं की हैं, बहुत सारी परीक्षाएं की हैं जिसमें लाखों लाखों छात्र छात्राएं एक समय में ही बैठी और उन्होंने उन अनुशासन का पालन किया है और बहुत अच्छे तरीके से ये परीक्षाएं भी हैं। अब फाइनल ईयर की परीक्षाएं अधिकांश जगह हो गई हैं, कुछ राज्यों में अभी शेष हैं, उसमें भी अभी होना है, बहुत कम 3-4-5 राज्य हैं ऐसे। तो मेरी छात्रों छात्र छात्राओं विद्यार्थियों मेरी आपसे भी अपील है कि अपनी सुरक्षा ज़रूरी है और शिक्षा भी ज़रूरी है, हमारा भविष्य भी ज़रूरी है, हमारी सुरक्षा भी ज़रूरी है। इन दोनों का कैसे बेहतर आप तालमेल करेंगे, मुझे भरोसा है कि अध्यापक अभिभावक और संबंधित राज्यों की गवर्नमेंट ये इनमें बेहतर तरीके से संस्थाओं और अभिभावक को बच्चों और गवर्नमेंट के बीच बेहतर तालमेल होगा और परिस्थिति जैसी जैसी होंगी उन्हीं के अनुरूप चरणबद्ध तरीके से सुरक्षा की दृष्टि से शीर्ष प्राथमिकता स्वास्थ्य सुरक्षा इसको देखते हुए हम अपने स्कूलों को देखेंगे। ऑनलाइन एजुकेशन जारी रहेगा और किसी बच्चे को ज़बरदस्ती स्कूल में न तो बुलाया जाएगा, हाँ उनका पालन अभिभावक चाहेंगे कि बच्चों को स्कूल में जाना है और स्कूल में भी पूरी सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संबंधित स्कूल का प्रबंधन। तो मुझे भरोसा है कि हम इसको बहुत बेहतर तरीके से करेंगे और इस ये जो संकट आया है इसका हम लोग